हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मुझे फुल लेटेस्ट जॉब अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं गाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदारी देखने को मिल जाती है गाइस। आज जिस कंपनी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बेसिकली इसका आपने नाम भी सुना होगा। बेसिकली इस कंपनी का नाम है डाउटनेट। डाउटनेट की बात करें, बेसिकली हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं उसको हम क्लियर करने के लिए इसको कभी कभी यूज भी करते हैं। तो इसमें जो है करंटली बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में इन्हें जो है कैंडिडेट की यहाँ पे नीड है गाइस। और गाइस बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आपकी कंप्लीट हो गई है और आपने जो है साइंस स्ट्रीम से कर रखी है तो आप इस जॉब के एलिजिबल होने वाले हैं। बाकी जो कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया है तो आप इस जॉब के एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब रिसेंटली किसी ने 12th पास कंप्लीट किया है, 18 प्लस है और साइंस स्ट्रीम से है तो उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें क्राइटेरिया रहता है। बाकी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया कोई भी स्ट्रीम से और फ्रेशर है, एक जॉब की नीड है और वर्क फ्रॉम होम की जॉब आप चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरा एंटिक देखिए। मैं टोटली इसमें कवर करने वाला हूं कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और कैसे आपको जो ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करना है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा एंड तक देखिए गाइस। गाइस डाउटनेट अभी जो है काफी बल्क में इसमें हायरिंग कर रहा और इसमें करंटली जो है अभी हायरिंग ऑन है। इसमें जो ऑनलाइन भी फॉर्म का जो है लिंक अभी ओपन है तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा जल्द से जल्द जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है और देख रहे हैं, सो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे एचआर का आपको रिवर्ड आने वाला है। और गाइस अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई आपको एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू करना है और एक जो है एचआर कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप बहुत तरीके से यहाँ पे दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। आप जो एचआर को डायरेक्टली अपना अपडेटेड एक रिज्यूमे सेंड कर दीजिए, बाकी एक ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हैं। टोटली मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया तो कोई इशू नहीं है। तो गाइस डाउटनेट बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में जिस कैंडिडेट के रूप में इनको अभी जॉब के कैंडिडेट की नीड है तो इसमें जो भी प्रोफाइल अपडेट आया मैं आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ गाइस। सो गाइस बात करें इसमें जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि डाउटनेट जॉब वैकेंसी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के और वर्क फ्रॉम होम के जॉब में इसमें जो करंटली इसमें कैंडिडेट की नीड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसमें जो एजुकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम हैव पास 10+2 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम में यहाँ पे मैंडेटरी है गाइस। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और रिक्वायरमेंट्स इसमें जो है स्ट्रॉन्ग हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए क्योंकि गाइस ये डोमेस्टिक आपका होने वाला है तो इसमें जो आपके टोटली जो क्लाइंट होने वाला है वो इंडियन ही क्लाइंट होने वाला है और इंडियन बेसिकली आपका जो प्रोफाइल होने वाला है ये आउटबाउंड का आपको प्रोफाइल होने वाला है। बेसिकली आपको इसमें जो है कस्टमर को कन्विंस करना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसे जो है सेल्स करना होता है। गाइस इसमें सैलरी की बात करें, अगर आपने यहाँ पे अगर आपको सेल्स का एक अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके लिए आगे आके काफी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है और इंसेंटिव भी इसमें काफी अच्छे अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा अगर एक आप अपने अंदर एक स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो सेल्स प्रोफाइल एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है गाइस क्योंकि मैंने खुद सेल्स में यहाँ पे वर्क किया है और मैंने काफी सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया है। मतलब इसमें आपको पता लगता है कि यार किस बंदे से हमें कैसी बात करनी चाहिए और किस किस सिचुएशन में हमें अपनी बात कैसी रखनी चाहिए तो ये एक सेल्स के प्रोफाइल को बंदे को पता लग जाता है और जजमेंट जो इंसान को जजमेंट करने का जो हुनर उसके अंदर आ जाता है तो इसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आता है गाइस। तो गाइस आप ऑन कॉल भी जो है कस्टमर को पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का बंदा है और इससे मुझे किस तरीके से हैंडल करना और किस तरीके से बात करनी है गाइस। तो गाइस ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हमें एक्सपीरियंस करने बहुत जरूरी होते हैं अपनी लाइफ में। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि पैशन फॉर कनेक्टिव विद पीपल एंड पिचिंग फॉर ऑपरेट प्रोडक्ट, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं आपको जो है कस्टमर को पिच करना है, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करनी है, बेसिकली इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसमें सैलरी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी अर्नर 10,000 to 2,50,000 तक आप जा सकते हैं, मतलब 10,000 से लेकर 2,50,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाइस। गाइस ये कैसे होती है, मतलब अगर आपके पास सेल्स अच्छा कर लेते हैं, आप कन्विंस जल्दी कर लेते हैं तो आपको जो इंसेंटिव इसमें इतना मिल जाता है कि आपको सैलरी देखने को भी हो सकता नहीं है। तो अभी इसमें जो इतना हायर इसमें पैकेज लिखा है कि 2,50,000 तक भी अर्न आप कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ सेल्स के बेसिक जो टूल्स होते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सेल्स में, अपना जितने भी एफर्ट्स लगाते हैं तो उसका जो है कंपनी हमें रिवर्ड करती है। तो बेसिकली यही होता है, अगर आप सेल्स प्रोफाइल में जिसको सेल्स करनी आ गई तो वो अपने फील्ड में एक माहिर हो जाता है और जल्दी अगर आप एक अच्छा एक कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना बैकग्राउंड अगर आप मिडिल क्लास है तो आपका बैकग्राउंड काफी स्मूथली काफी बढ़िया तरीके से जल्द आपका जो है कैरियर यहाँ पर ब्राइट बन जाएगा। और सेल्स प्रोफाइल में अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया एक बार और सेल्स प्रोफाइल में एनी टाइम वैकेंसी रहती है अगर आप कहीं भी जाते हैं और
और कंपनी को नीड होती है सेल्स वाले बंदों की। मतलब ऐसा नहीं कि सेल्स आपको कुछ भी प्रोडक्ट करना है, ये एक प्रोफेशनल तरीका भी होता है कि आपको कुछ भी चीज जो है कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करनी है और कैसे उसे सेल्स करनी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी शैम्पू अगर बेच रहे हैं, ये नहीं, बड़े से बड़े भी प्रोडक्ट होते हैं, छोटे से छोटे प्रोडक्ट होते हैं, तो आपको जो है बेचने का वहां पे तरीका आना चाहिए गाइस। सो गाइस ये इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट रखा है, और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि लैपटॉप एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मस्ट। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता तो आपको जो है एक तो वाईफाई कनेक्शन इसमें चाहिए, और बेसिकली इसमें जो स्पीड उसमें काफी अच्छी चाहिए। मिनिमम अगर आपके पास 100 एमबीपीएस का प्लान है तो आपके लिए बेस्ट फोन होने वाला है। बाकी अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है और वाईफाई नहीं है तो कोई इशू नहीं, सबसे पहले आप इंटरव्यू दीजिए। जब आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसके बाद एचआर आपको जब सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेगा तब आप जो है वहाँ पर एग्री कर सकते हैं। लेकिन एचआर को आप बताएंगे कि यस आई हैव अ लैपटॉप या आई हैव ऑल्सो अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन वी हैव, तो आपको इस तरीके से वहाँ पर बताना पड़ेगा एचआर को। क्योंकि कंपनी आपको कुछ टाइम देती है, अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में आप तो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए अपने लाइफ में गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो आपको जॉब रोल होने वाला है, गाइड डाउटनेट एप्स यूजर इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेस। मतलब जो भी इसका एप्लीकेशन है, डाउटनेट का आपने एप्लीकेशन भी देखा होगा, तो आपने जो है डाउटनेट के एप्लीकेशन का आपको जो है प्रमोट करना है कि इसके बेनिफिट अगर आपके पास ये रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोसेस की यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाली है और ट्रेनिंग इसकी टोटली पेड होने वाली है गाइस। और गाइस बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट की वहाँ पे नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और गाइस ऑलरेडी मेंशन है कि प्रोवाइड कंसिस्टेंट फॉलो अप द फीडबैक इंश्योर सक्सेसफुली। मतलब जो भी इसका फीडबैक है वो आपको जो फॉलोअप करना होना पड़ेगा गाइस। सो गाइस ये बेसिकली इसमें क्राइटेरिया है, और 100 डायल कॉल्स एंड 45 कनेक्टेड कॉल्स डेली मिनिमम। मतलब आपको जो है डेली यहाँ पे 100 कॉल्स करनी है और मिनिमम आपकी जो है 45 कॉल्स यहाँ पे कनेक्टेड होनी चाहिए गाइस। सो गाइस बेसिकली बीपे सेक्टर में जब मैंने भी जॉब की है ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे जो है 100 प्लस यहाँ पे कॉल्स मैंने अटेंड की है, मैंने कभी कभी 150 भी कॉल अटेंड की है और कोई सुने, लेकिन मेरा इनबाउंड का प्रोसेस था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका आउटबाउंड का प्रोसेस, मतलब आपको जो है कॉल्स यहाँ पे करनी है। मतलब मिनिमम आपकी जो 45 कॉल यहाँ पे कनेक्टेड होनी चाहिए कस्टमर के साथ। बेसिकली आपका जो सिस्टम होगा वो ऑडिट कर लेगा, उसमें जो कंपनी का सॉफ्टवेयर लगा हुआ उसमें जो है आपकी ये सारी यहाँ पे बातें वहाँ पे ऑडिट हो जाएंगी, जो भी आपने रिकॉर्ड वहाँ पे पूरा मेंटेन रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो आपको चेक करना है गाइस। और कंडक्ट वीडियो कॉल्स विद अ पेशेंसली क्लाइंट एज नीडेड। मतलब अगर क्लाइंट को यहाँ पे नीड है, वो जो है ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू समझना चाहता है, तो आप जो है उसे वीडियो कॉल के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। ये आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। और कैसे आपको वीडियो कॉल में उसे पिच करना है वो आपको जो है ट्रेनिंग में पूरी डिटेल यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, तभी आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो क्लाइंट के साथ होने वाला है गाइस। सो गाइस ये इसमें जो जॉब एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने आपको बता दी है सारी डिटेल। लेकिन अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं और फ्रेशर हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का इसमें ऑलरेडी मेंशन किया अप्लाई नाउ पे यहाँ पे इसमें जो है 3 मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया, तो मैं रिकमेंड करूंगा तीनों मेल आईडी पे अपडेटेड आप रिज्यूमे सेंड कर दीजिए। 10 से 15 मिनट लगेगा आपको गाइस ये अपडेटेड आप रिज्यूमे सेंड करने के लिए, कोई इशू नहीं है। एचआर का डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे रिवर्ड आने वाला है अगर आपका रिज्यूमे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होता है। इसमें जो मेल आईडी ऑलरेडी मेंशन है कि urvashi.kumari@doubtnet.in पे कर सकते हैं, और santosh.swani1@doubtnet.in पे कर सकते हैं, और stuti.pandey@doubtnet.com पे आप जो है यहाँ पे तीनों ही मेल आईडी पे मैं रिकमेंड करूंगा आप जो अपना अभी एक अपडेटेड यहाँ पे रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको जो है ये क्राइटेरिया नहीं करना है, आप सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो है ये भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करने पड़ेंगे स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म का भी यहाँ पे लिंक दिया है कंपनी ने, तो आप जो है उसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब उसे भी आप फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बात तो मैं रिकमेंड करूंगा मेल कर दीजिए इनको अपडेटेड रिज्यूमे, और आई एम इंटरेस्टेड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोसेस, काइंडली फाइंड द अटैच्ड रिज्यूमे। तो आपको इस तरीके से जो है इनको मेल सेंड करनी है। और गाइस उसके बाद मैंने एक लिंक दे दिया, उसे भी आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसमें बेसिकली आपको जो है बेसिक डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, अपनी एक अपडेटेड ईमेल आईडी मेंशन करनी है, नेम उसमें फुल नेम मेंशन करना है, अपडेटेड रिज्यूमे एक मेंशन करना है, और ये अपडेटेड मोबाइल नंबर एक मेंशन करना है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपका सेम हो सकता है तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंडेटरी है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है,
और वो आपको मेंशन करनी है। और लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, तो जो भी आती है आपको, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, तो जो भी आते हैं, जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नेम ऑफ सिटी ऑफ रेजिडेंस, मतलब आपको जहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई इशू नहीं है, फ्रेशर है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ई टेक एक्सपीरियंस इन ईयर, अगर कोई एक्सपीरियंस है टैग का तो आप मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट ड्रॉन सैलरी सिटी से सैलरी, अगर आपकी कोई सिटी सैलरी थी तो यहाँ पे मेंशन करनी है। योर टेंथ स्कोर इन परसेंटेज, जो भी आपकी टेंथ में स्कोर थी, जो भी आपकी परसेंटेज थी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और योर स्ट्रीम इन ट्वेल्थ क्लास, जो भी था आपका, मेडिकल था, नॉन वॉइस था, पीसीएम था, कॉमर्स था, ह्यूमैनिटीज, अदर, जो भी था आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ट्वेल्थ स्कोर इन परसेंटेज, उसके बाद आपको परसेंटेज कितनी आई थी ट्वेल्थ में वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहीं से की है, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आपने किया है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और योर स्कोर इन ग्रेजुएशन परसेंटेज में आपको जो है मेंशन करनी है। और गाइस नेम ऑफ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इफ एक्सपीरियंस, मतलब आपके लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या था, तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। प्रीवियस इंडस्ट्री क्या थी आपकी, बैंकिंग थी, जो भी इंश्योरेंस था, रियल इस्टेट था, जो भी आपका था, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी कोई ऑर्डर था तो ऑर्डर पे आप मेंशन कर सकते हैं। जेंडर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल है, फीमेल है, तो जो भी आप हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप सारा क्राइटेरिया यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गाइस नेक्स्ट पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तब आपको जो एक अपडेटेड यहाँ पे मेंशन जो भी डिटेल होंगे आपको जहाँ पे सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। गाइस सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो 24 से 48 घंटे में यहाँ पे एचआर का यहाँ पर रिवर्ड आने वाला है। गाइस सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए अप्लाई करने के लिए। एक तो आप जो अपडेटेड रिज्यूमे एक सेंड कर दीजिए इनके अपडेटेड ईमेल आईडी पे, उसके बाद जो है मैंने एक फॉर्म फिल का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो जल्द से जल्द आप जो वहां भी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी आप करेंगे उतने ही जल्दी एचआर के यहाँ पर रिवर्ड आने वाला है। गाइस सो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटल जो अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया। सो सारा क्राइटेरिया आप चेक करके फिर जो है आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। गाइस गाइस फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी जो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। गाइस सो आई होप कि गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।